के यशस्वी मंत्री श्री जयवीर सिंह जी और हमारे देखिए आज गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर आज मैं स्वयं हाजिर हूँ। माननीय सांसद और हमारे सुपरस्टार फिल्मों के आदरणीय रवि किशन जी, माननीय सांसद जी गोरखपुर के गौरव, और उनके साथ साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ तमाम प्रशासन के अधिकारियों के साथ आज इसका शुभारंभ किया गया है। कोई भी महोत्सव उस जिले के उस क्षेत्र के विकास का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के उभरते हुए नए नए डेवलपमेंट्स का प्रतिबिंब हुआ करता है। जैसा कि हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी तमाम जो बच्चों ने नई नई खोज की है, नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से गोरखपुर बहुत आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं सब प्रतिभाओं का कमाल है कि भारत जिसको कभी सपेरों का देश, पाखंडियों का देश कहा जाता था, आज भारत ने टेक्नोलॉजी के द्वारा, संत के द्वारा दुनिया में अग्रणी देशों की भूमिका में अपने को कई मौकों पर स्थापित करने का काम किया है। और आज इस महोत्सव के पवित्र मौके पर मैं प्रणाम करना चाहूँगा आदरणीय योगी जी को और बाबा गोरखनाथ जी की तपोभूमि को, जहाँ से कई पीढ़ियों से लगातार हमारे देश को नेतृत्व ही नहीं मिला बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही मजबूती देने का काम किया है। चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन की बात हो, इसी तपोभूमि से चार पीढ़ी के संघर्ष के उपरांत आज हमारा शुभ अवसर है कि 500 वर्षों से ज़्यादा लंबे समय के त्याग तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद 22 जनवरी को वो अवसर आ रहा है कि हमारी पीढ़ी के सामने, हम लोगों के सामने सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग, चाहे वो यूपी के हों, पूरे देश के हों या विश्व पटल पर कहीं रहते हों, उन सब के लिए गौरवशाली क्षण होगा कि देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय मंदिर का, श्री राम जी के मंदिर का हो रहा है, अपने घर में राम जी विराजमान हो रहे हैं। तो ये भी इस धरती का ही उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी मुख्यमंत्री के रूप में, एक संत के रूप में आदरणीय योगी जी का योगदान न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी और राम मंदिर के संघर्ष में भी बड़ा योगदान है। और इस कार्य को करने में जो सिद्धि प्राप्त हुई है वो सनातन संस्कृति के लोग हमेशा याद रखेंगे कि कभी सांसद रवि किशन जी हुआ करते थे तब ये मंदिर बना था, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हुआ करते थे तब ये मंदिर बना था, और जिंदगी भर पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग कहेंगे कि आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात। माननीय क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी श्री महादेव पांडे जी के द्वारा स्वागत। यही नाम में हम निवेदन करते हैं गोरखपुर की जनता के हृदय के आवाज। 2047 जब आजादी का स्वर्णिम वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी आज से 24 साल के बाद, तो दुनिया का सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का देश भारत होगा, विकसित भारत बनेगा, सबसे सशक्त भारत बनेगा, विश्व का गुरु भारत बनेगा, ये नारा प्रधानमंत्री ने दिया है बच्चों। और ये बच्चों नारा कैसे पूरा होगा, आज हम आश्वस्त हो गए हैं कि नारा पूरा होगा आने वाले 25 सालों में। आप ही बच्चे जो खड़े हैं, यही करके वैज्ञानिक है, यही करके IPS है, यही करके IAS है, वैज्ञानिक बने कि जिस क्षेत्र में भी आप रहेंगे भारत की प्रतिभा का निखार करते हुए नजर आएंगे। और सिद्ध हो गया है कि आप जैसे योग्य बच्चे निश्चित रूप से भारत को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भूमिका को निर्वहन करने वाले हैं। भारत का भविष्य सुरक्षित है, यह सुनिश्चित हो गया है। बच्चों आपने देखा कि चंद्रयान 3 की यात्रा भारत ने करके, सफल परीक्षण करके, सफल प्रेक्षण करके दुनिया का पहला देश बना। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे सफलतम
दो वैक्सीन रिकॉर्ड समय में बना करके पूरी दुनिया में अपने वैज्ञानिक शोध में कीर्तिमान बनाने का काम किया। आज जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन आप सबने यहाँ दिखाया है, इससे निश्चित है कि भारत का ताकत, भारत की क्षमता आप सबके अनुसंधान के मार्फत इन 25 सालों में भारत को मिलने वाली है। बच्चों ठीक है, अनिल राय सर उपस्थित हैं, आपके अभिनंदन के लिए भी निवेदन है हमारे क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी श्री महादेव पांडे सर से। मंच पर उपस्थित गोरखपुर की पावन धरती पर स्थापित बहुत ही प्राचीन गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रतिभाशाली माननीय कुलपति महोदय, हमारे गोरखपुर जनपद के डीएसओ साहब, गोरखपुर क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के प्रभारी महादेव पांडे जी, अन्य प्रतिष्ठित अधिकारी, हमारे मित्र और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिक संगत राव जी, सुमित श्रीवास्तव जी, हमारे इस पंडाल में इस गोरखपुर महोत्सव की विज्ञान प्रदर्शनी में आए हुए हमारे प्यारे बच्चों, छात्रों, नवप्रवर्तकों, अभिभावकगण, सम्मानित नगरवासी, क्षेत्रवासी और मेरे मीडिया मित्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रगण, आप सभी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के इस क्षेत्रीय कार्यालय के विज्ञान पंडाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम धन्य हुए कि जो हमारा विभाग, हमारा परिषद, हमारा ये क्षेत्रीय कार्यालय इस पावन धरती पर विज्ञान की जो अलग थी, जो जल रही थी, उसको हमने थोड़ा और प्रयास किया कि थोड़ा और आगे बढ़े। विज्ञान के माध्यम से हम इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का कुछ विकास कर सकें और उस विकास में हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे पूर्व मित्र लखनऊ से ही आई हुई माननीय कुलपति महोदया, हम लोग एक दूसरे से पूर्व से परिचित हैं, आप भी विज्ञान क्षेत्र से, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं लखनऊ में और अच्छे कार्यों का ही सफल नतीजा है कि आज ये गोरखपुर की पावन धरती पर इस इतने प्राचीन विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है। हमारी तरफ से बधाई हो। आज विज्ञान के बारे में हमें बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने जो हमारी गतिविधियां हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन की, हम अपने क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, अपने जिला विज्ञान क्लब के माध्यम से, अपने अन्य माध्यमों से जन जन तक, छात्रों में, जनमानस में, वैज्ञानिकों में, सब में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जिस तरीके से हमारा देश आज चंद्रमा पर पहुंचकर गर्व महसूस कर रहा है, उस तरीके से हमारे विभाग की गतिविधियां भी आम सामान्य जनमानस के दिलों में भी पहुंचकर हमने वो, हमारा वो प्रयास सफल हुआ है।
वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. डॉक्टर सी के श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर सीएसटी यूपी, डॉक्टर ए एम राय, डिप्टी डायरेक्टर बीएसटी गोरखपुर, श्री महादेव पांडे, साइंटिफिक ऑफिसर सीएसटी यूपी, सुमित श्रीवास्तव, डॉक्टर संगत राय एंड विमल पांडे जो हमारे बीच में हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करा है और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करा है. एंड माई वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपके बहुत से मॉडल देखे, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक के बच्चों के मॉडल देखे. एंड स्टूडेंट्स आर ऑफ द गोरखपुर आर डूइंग वंडरफुल जॉब. बहुत अच्छा आपका प्रयास है और इस प्रयास को देख के लगता है कि अभी से आप लोग इतना कर रहे हैं तो आगे तो बहुत आगे जाएंगे. और इस क्षेत्र में मुझे आज 4 महीना हो चुका है और छात्र छात्राओं में प्रतिभा बहुत ज़्यादा है और ये आगे बहुत ले जाएगी आपको. देखिए, आपने जो मॉडल बनाए हैं अभी, ज़रूरी ये है इन मॉडल में आपकी इनोवेशन, आपकी थिंकिंग दिखाई देती है कि आपकी वैज्ञानिक सोच क्या है. अब इसको हम लोग कैसे कॉमर्शियल एप्लीकेशन पे ले जाते हैं और रिफाइन करके इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे इसके और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देख सकते हैं. एंड मे बी सम ऑफ योर मॉडल एंड अप विद द स्टार्टअप्स. बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ऐसे ही करते रहिए और ऐसे ही सफलता मिलती है आगे लाइफ में. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत बोलने का समय नहीं है क्योंकि आप लोग अपने मॉडल में इतने बिजी हैं और चाहते हैं कि लोग आके मॉडल देखें बजाय सुनने के इस समय. तो ऑल द बेस्ट, और अयोध्या खंड अभी जो इतना 22 जनवरी को आपकी जिम्मेदारी में हो रहा है, काशी विश्वनाथ, मथुरा या गोरखपुर, आप लोग जो भी देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में, वो पूरा श्रेय पूरे पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के दिशा निर्देश में, यशस्वी प्रधानमंत्री के, हमारे श्रीमान जयवीर सिंह जी कह रहे हैं. जोरदार ताली हमारे मंत्री जी खातिर सब लोग बजा दें. बहुत अच्छा है इस विज्ञान केंद्र की विज्ञान प्रदर्शनी में आपने समय, अपना ऐसा बहुमूल्य समय दिया, अभी सीधे अयोध्या से यहाँ आ रहे हैं. और ऐसे में मंगल हमारे मेयर साहब मंगेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करब जो यहाँ पर उपस्थित हैं. हमारे ग्रामीण के बहुत लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह भैया, उनके स्वागत बा. हमारे सजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी के स्वागत बा. और मंचा सिंह जितने भी हमारे लोग हैं, विक्रम चौधरी जी हैं, मामनी विमलेश पासवान जी, उनके स्वागत बा. विमलेश पासवान जी माननीय विधायक जी के स्वागत बा. और मंचा सिंह में सभी लोगों को, विक्रम चौधरी भी यहाँ हैं हमारे मित्र, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ. मैं I'll tell you all the schools, I'm very happy and I'm surprised, I have no words. You know, because I was just crossing with Mr. Minister and the children have surprised me. The kind of innovation, the kind of science is doing it. And the Gorakhpur, wow! Ek zordar taali aap log bachche log apne liye bajao. I am so happy. I'm definitely going to pass on this message to Chief Minister Pujy Yogi Maharaj ji, that the boys and girls are amazing. This will go to PMO, Pradhan Mantri ji ko hum bhejenge. Science technology ke main pure jitne bhi yahan par all the heads jo bhi organized ki hain, main sabka naam nahi le paunga, but main aap logon ko sadhuvaad deta hu. Amazing show, amazing all the kids. This is what my country is going to become, Viksit Bharat. अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आप सुपर पावर देख रहे हैं 2047 में, देखिए हम लोगों के बाद ये आप ही लोगों को संभालना इस देश को, आप ही लोग भविष्य हो. ऐसी सरकार आपको मिली है. आपकी स्कूल प्रिंसिपल्स, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. मोस्ट सक्सेसफुल मंत्री जी ने कहा क्या क्राउड है, उन्होंने कहा क्या भीड़ है, क्या बच्चों की में ये उत्साह है. ये उत्साह है क्योंकि ये राम राज्य है. ये उत्साह है जहां पर हिंदू को भी सम्मान है, मुसलमान को भी सम्मान है, दंगे नहीं होते इस देश में. यहाँ पर सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सब पर विश्वास, सबके साथ. यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, यही पूज्य योगी महाराज का नारा है. भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मेरे देश के बच्चे, बिकॉज दिस इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 30 साल से कम 65% की पॉपुलेशन इस भारत में है. मेरे बच्चे आगे आए, मेरे देश को आगे ले जाएं, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट,
कास्ट एंड कम्युनिटी कुछ नहीं होती, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो जाति है वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबी। वैसन विद्यार्थी मोर बाड़े, कितना ही लोगन के करेजा बा का दिमाग बा हो, हम तो ये उम्र में तो हम के तो मालूम बुद्धिया ना रहे, आप लोग क्या क्या मशीन बना दे रहे हो भाई, मेरा देश चंद्रमा पर पहुंच गया।